नमस्कार, मैं पंकज दुबे और आप देख रहे हैं सागर टाइम्स न्यूज। सागर संभाग से पूरे बुंदेलखंड सहित देश विदेश की ताजा तरीन खबरें और उनके पीछे का सच पूरी सटीकता एवं निरंतरता के साथ देखने के लिए इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। आइए देखते हैं ब्रेकिंग न्यूज। नमस्कार, बड़ी खबर निकल कर आ रही है स्कूल से जुड़े लोगों के लिए। जी हां, मध्य प्रदेश में अब स्कूल खोलने का ऐलान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कर दिया है। जी हां, सीएम शिवराज का ऐलान हुआ है कि 11वीं और 12वीं क्लास 26 जुलाई से 50% कैपेसिटी के साथ खोली जा सकेंगी। जी हां, 15 अगस्त तक छोटे बच्चों के स्कूल भी खोलने की बात उन्होंने कही है। हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में स्कूल खोलने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा ऐलान कर दिया है और बुधवार को आरएसएस के अनुसांगिक संगठन विद्या भारती के कार्यक्रम में सीएम ने कहा है कि 11वीं और 12वीं के क्लास 26 जुलाई से 50% की क्षमता से खोली जा सकेंगी। सब ठीक ठाक अगर रहा तो 15 अगस्त तक छोटे बच्चों के स्कूल भी खोले जा सकते हैं। उन्होंने कोचिंग संस्थानों को भी खोलने की अनुमति जल्द देने की बात कही है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सावधानी जरूरी है, इसलिए सप्ताह में 2 दिन एक बैच और फिर 2 दिन दूसरा बैच आएगा। इसकी पूरी रणनीति हम बना रहे हैं। जनता ने अगर कोरोना गाइडलाइन का पालन किया तो 9वीं और 10वीं, फिर 6वीं से 8वीं और फिर 1ली से 5वीं के स्कूल भी खोले जा सकेंगे। उन्होंने एक और महत्वपूर्ण बात कही है। उन्होंने कहा है कि स्कूल जो खुलेंगे उनमें पूरी तरह से कोविड गाइडलाइन का पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा, जिसमें सैनिटाइजेशन और थर्मल स्कैनिंग की जाएगी। ये बड़ी खबर निकल कर आ रही मध्य प्रदेश से। अब जो है 26 जुलाई से स्कूल खोलने का ऐलान कर दिया गया। सुनिए जरा मुख्यमंत्री ने क्या क्या बातें कही हैं। खोलने की प्रक्रिया को प्रारंभ करें, उसके पहले चरण के रूप में हमने तय किया 25-26 जुलाई से जो सोमवार से सप्ताह प्रारंभ होगा उसमें 50% क्षमता के साथ 11वीं और 12वीं के विद्यालय प्रारंभ करेंगे। इसका अर्थ ये होगा कि अभी सप्ताह में 4 दिन 2 दिन एक बैच आएगा, 2 दिन एक बैच आएगा, क्योंकि सावधानी। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी, मध्य प्रदेश में कोरोना केस जो है रोज़ घट रहे हैं और 30 से कम केस आ रहे हैं। ऐसे हालातों में अगर यही सिलसिला चलता रहा तो निश्चित रूप से छोटी क्लासें भी 15 अगस्त तक चालू होने की पूरी संभावना है।